जय स्वामीनारायण दोस्तों, लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था गमला बनाने के बारे में, आप लोगों को याद ही होगा। उसका लिंक भी मैं जो है आई बटन में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे हमने ये जो गमला बनाया था, इसको अपने को खाली कर लेना है। जो मैंने मिट्टी निकाल दी, इसकी मिट्टी निकाल करके हमको क्या करना है, इसके अंदर कम से कम 4-5 दिन जो है पानी भर के रखना है। फुल इसके अंदर पानी भर के रखने से क्या होता है कि सीमेंट की जो है मजबूताई बढ़ जाती है। इसको तराई करना बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में। तो अच्छी तरह इसको अपने को भर लेना है, भर करके पानी, और जो है इसको 4-5 दिन अपने को रखना है। 4-5 दिन रखने के बाद में जो है इसको सूखने देना अपने को, 2-3 दिन। 2-3 दिन सूखने के बाद में अपने को जो है इस पर कलर करना है। और कलर जो है मैं आप लोगों को अभी करके बताऊंगा। एक्चुअली जो आज का वीडियो हमने प्लान किया है वो इसके ऊपर कलर करेंगे, और कलर करके ये और ज़्यादा सुंदर कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका कलर करने का तरीका जो है, मैंने जो है मेरे कुछ गमले बनाए थे पहले पत्थर से, आपने देखा होगा शायद कभी कोई वीडियो में मैंने शेयर किया हो। तो उस गमले के ऊपर क्या है, गोल गोल पत्थर चिपका के मैंने वो गमला बनाया था, और उस गमले के ऊपर जो कलर जो है, एक ज्योति दीदी हैं हैंडीक्राफ्ट का जो काम करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि एक तरीका होता है हाईलाइट करने का। उस हाईलाइट करने के तरीके से जो है एकदम उभर के जो है अपनी डिजाइन पौधे गमले की आती है। तो उसी टेक्निक से अपन कोशिश करेंगे कि उस तरीके से अपना जो है गमले को अपन आज पेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं पेंट करने का काम। तो सबसे पहले जो है अपन आउटर साइड में करेंगे, क्योंकि जब आउटर साइड सूखेगी तो अपन इनर साइड करेंगे, तो इनर साइड भी साथ साथ में सूख जाएगी जब अपन सीधा करके गमले को रख देंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने कलर जो है 2 तरीके के रखे हैं दोस्तों। एक तो ब्लू कलर है अपने पास में, सिंपल जो पेंट आता है वो। एक तो क्या होगा, पेंट से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इस पर पपड़ी नहीं आएगी। दूसरा जो है इससे क्या फ़ायदा होगा कि मजबूती बढ़ जाती है गमले की। और इसका जो नीचे का ड्रिल होल है वो अपन नहीं करेंगे। ड्रिल होल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बीच बीच में कई जगह पे गैप्स हैं जिनसे पानी निकल रहा था जब मैंने इसकी तराई करी। तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपना प्लान, ये हल्का येलोइश क्रीम कलर है मेरे पास में, ये येलोइश क्रीम कलर जो है अपन इसके ऊपर करेंगे। ये ब्रश जो है दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, पर इन कामों में इस तरीके का ब्रश जो है चल जाता है। बहुत नया ब्रश आप काम में लेंगे तो उसके कई बार ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं। और अच्छी तरह जो है सभी जो छेद हैं उनके अंदर भरते हुए जो है अपने को ये कलर करना है। इसमें नॉर्मली जैसा अपना तारपीन तेल आता है पतला करके, और अपने को करना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है कोटिंग करेंगे, उसी से फिनिशिंग आ जाएगी इसके ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है सभी जो गैप्स हैं उनको क्लियर करते हुए, बीच में कोई भी जगह ऐसी बचे नहीं जहाँ से कि सीमेंट अपनी रह जाए, क्योंकि शेप जो है इसका थोड़ा सा अपन ने इस तरीके का रखा है जहाँ पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉकेट्स ऐसे रह जाएं जहाँ पे जो है कलर सही ढंग से ना फैले। और पूरे के ऊपर जो है सही ढंग से अपने को कर देना है। अब ये नीचे का बाहर का आउटर जो है अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन अंदर भी जो है एक सिंगल कोट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और इससे थोड़ी सी क्या है दोस्तों इसमें फिनिशिंग आएगी। कोई भी जॉइंट जो है वहाँ से रह नहीं जाए, बहुत अपने को देखते देखते और फिनिशिंग से करना है काम। जितना फिनिशिंग से आप करेंगे उतना ही जो है आपका पॉट सुंदर बनेगा। तो दोस्तों ये अपना जो है अंदर भी अपन ने कलर का काम कंप्लीट कर लिया है। सभी जो गैप्स हैं अच्छी तरह चेक कर करके, और इसमें अपन ने सही ढंग से सारा जो कलर है पेंट अपना फैला दिया है। पेंट जो है अपना नॉर्मल वाला ही पेंट है जो अपन लोहे पे या लकड़ी पे या दीवारों पे जो करते हैं सिंपल पेंट, वही वाला जो है अपन ने इसके ऊपर किया है ये। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको सूखने देते हैं थोड़ा सा। ये सूखेगा तब अपन आगे का इसमें प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों अपने पास 2 कलर हैं, एक तो ब्राउन है और एक ब्लू है। तो पहले थोड़ा सा अपन
ब्राउन ले लेते हैं। अपने को ढक्कन में हल्का सा ही लेना है, ऐसे ब्रश नहीं डिप करना है। और ये जो है कपड़े से हल्का सा इसके ऊपर जैसे अपन ने लिया, और इसको अपने जो है इस तरीके से हाईलाइट कर देना है, ये जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत अपने को ऐसे नहीं कि ब्रश डिप किया और ब्रश डिप करने के बाद जो है आप उसके ऊपर लगा रहे हैं इसको, कपड़े को डिप किया और इस तरीके से जो है हल्का हल्का पूरे के ऊपर रगड़ देना है। तो इस तरीके से जो है पूरा ब्राउन कलर अपन पहले फैला लेंगे। तो दोस्तों ये ब्राउन की एक जो है कोटिंग अपन ने कपड़े से इसके ऊपर कर दी है। ब्रश से इसलिए नहीं करते क्योंकि वो क्या है कि जैसे एक यूनिफॉर्म टेक्सचर दे देता है ब्रश, और कपड़े से क्या है कि ये थोड़ा सा कहीं से लगेगा और कहीं कलर नहीं लगेगा। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं और फिर उसके बाद में इसके ऊपर अपन ब्लू करेंगे। तो दोस्तों अब जो है इसके ऊपर अपन जो है ब्लू लगाएंगे कपड़े से ही जो है, इस तरीके से जो कहीं कहीं पर अपन पूरे के ऊपर अपने को नहीं लगाना है, ये इस तरीके से जो है इस तरीके से जो कहीं कहीं पे अपन ने जैसे ही लगा दिया। पापा पापा तो ये इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा ले ले करके, और अब ये जो है इसके ऊपर लग गया है ब्लू भी, और ब्लू लगने के बाद जो है अपने को जो है सभी जगह पे कंप्लीट हो गया है। और अपन इसको ढक्कन बंद कर देते हैं पेंट का। ब्लू भी लग गया, ब्राउन भी लग गया, और इसको अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ा सा जब या थोड़ी देर में अभी अपन इसको रब करना है। अब अपने को जैसे साफ़ कपड़ा अपन ले ले कोई इस तरीके का, और ये जहाँ जहाँ भी अपन ने जब कलर लगाया है इसको अपने को क्लीन करना है अभी इससे, इस तरीके से। पापा केक मिला चाहिए। पापा? ये जो है लग गया, और कपड़े से अपन इसको पोंछ लेते हैं। हम पापा तो ये जो है अपन ने पोंछ लिया इसको, और पोंछ करके दोस्तों ये जो अपना है बेसिक टेक्सचर आप देख ही रहे होंगे कंप्लीट हो गया है, और ये इस तरीके का जो अपना गमला तैयार हो गया। कलर्स आप देख ही पा रहे होंगे, और हाईलाइट करने की वजह से जो है ये अपना जो नॉर्मल सीमेंट का पॉट है ये भी सिरेमिक जैसा दिख रहा है। अब हम जो ये कोटिंग जो है इसकी यहाँ भी थोड़ा सा इसको फिनिशिंग कर देंगे ब्राउन की, क्योंकि ऊपर से जो है क्रीम क्रीम कलर का ही दिख रहा है। ये पापा, ये थोड़ा सा है कलर, थोड़ा सा ये ये जैसे कपड़े में तो लगा हुआ था ही अपने ब्लू, और इसी पे अपन जो है ब्राउन मिक्स करके, और ये अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी जो हैं बना सकते हैं इस तरीके के पॉट आपके लिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे
अपना जो है नॉर्मल सीमेंट का पॉट बोनसाई के लिए अपन ने जो है सिरेमिक लुक में अपन ने तैयार कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरीके के पॉट आप भी आसानी से बना सकते हैं। बेसिक प्रोसेस अपन ने पिछले वीडियो में किया था और ये वाला जो है आगे का प्रोसेस अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।